हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं इटालियन एसएपी ऑफ आईसीयू मॉड्यूल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएपी में असेट्स अकाउंटिंग। तो असेट्स अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं असेट्स अकाउंटिंग। तो सबसे पहले, असेट्स अकाउंटिंग एक बहुत ही वाइड टॉपिक है एसएपी एफआई का। इसमें अराउंड 15 to 20 स्टेप हैं इसे कॉन्फिगर करने के। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाइए। वैसे मैंने इसको बहुत ही ईजी बनाया है, मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको ईजी वे में समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं असेट्स अकाउंटिंग। तो असेट्स अकाउंटिंग समझने से पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेट्स क्या होती है। तो व्हाट आर द असेट्स? असेट जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं किसी भी कंपनी को, वो उसकी क्या है? असेट्स। ठीक है, लाइक एक कंपनी के असेट्स क्या क्या हो सकती है? उसका कैश बैलेंस हो सकता है, उसका प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, उसका फर्नीचर हो सकता है, उसके पेटेंट्स हो सकते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो वो क्या होती है? उसकी असेट जो उसको फ्यूचर में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसे हमने दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होता है असेट्स। एक होता है करंट असेट्स और एक होता है फिक्स असेट्स। करंट असेट्स, विच असेट्स वी कैन यूज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। लेस देन वन ईयर जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो क्या होती है? हमारी करंट असेट्स, लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, जो भी पैसा आपको कस्टमर से लेना है वो अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री जो आपके जो माल आपका बिका नहीं है वो आपके स्टॉक में है, वो आपका करंट असेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अगर आपने कोई एडवांस दे रखा है तो वो भी आपकी करंट असेट्स है। जो भी एक साल में आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो आपकी क्या है? करंट। एक होती है फिक्स असेट, विच असेट वी कैन यूज मोर देन वन ईयर और लॉन्ग टर्म। जिस असेट्स को हम ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिक्स असेट, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। अब आपने एक बार खरीद ली, इसे बार बार तो सेल करोगे नहीं, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज के लिए होती है। ऐसी फर्नीचर फिक्चर्स होता है, व्हीकल्स हो गए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, स्टॉक्स हो गए, तो वो क्या होती है? हमारे फिक्स असेट्स। ठीक है, अब असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, असेट्स आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इसमें इसे भी इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स जो असेट्स हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम टेंजिबल असेट्स। जिस असेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो भी असेट्स हैं, वो क्या होती है? हमारी इनटेंजिबल असेट्स, लाइक ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट हो गए, गुडविल हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, वो क्या होते हैं? हमारे इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, बट उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका असेट समझ में आ गया होगा। अब एसएपी के कंसेप्ट पे आते हैं। द अकाउंट मेंटेन ऑन द फिक्स असेट्स आर कॉल्ड असेट्स अकाउंटिंग। बेसिकली असेट्स अकाउंटिंग फिक्स असेट्स अकाउंटिंग होता है मेनली। जो फिक्स असेट्स के लिए हम मेंटेन करेंगे वो क्या है? हमारा असेट्स अकाउंटिंग। इसमें कंसेप्ट होते हैं कुछ। पहला होता है अकाउंट डिटरमिनेशन, इट डिटरमाइन द एडजस्ट अकाउंट फॉर रिकनसाइल पोस्टिंग बिटवीन सीओ एंड एफआई। ये क्या करता है? रिकनसाइल करता है सीओ एंड एफआई में। स्क्रीन लेआउट, इट स्पेसिफाई द फील्ड्स इन द मास्टर रिकॉर्ड विच मैंडेटरी, सरप्लस एंड ऑप्शनल। ये मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, फील्ड स्टेटस वेरियंस। तो इसमें स्क्रीन लेआउट काम करता है कि किस फील्ड को आप ऑप्शनल रखना चाहते हो, किसको मैंडेटरी करना चाहते हो, किसको सप्रेस करना चाहते हो, तो स्किल लेआउट का काम होता है। उसके बाद आते हैं असेट्स क्लास, इट क्लासिफाई द फिक्स असेट्स अकाउंटिंग टू लीगल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच असेट्स क्लास, कंट्रोल पैरामीटर एंड डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक ग्रुप ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया। डेप्रिसिएशन एरिया का ग्रुप क्या होता है? हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, इसमें असेट्स अकाउंट बनाते हैं हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद बनता है हमारा डेप्रिसिएशन की, इट एक्सप्लेन इन विच मेथड डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेट, लाइक एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अब ये मैं पूरा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो असेट्स अकाउंटिंग में आ गया। ठीक है, अब असेट्स अकाउंटिंग में क्या है? सबसे पहले बताया था मैंने आपको असेट्स डिटरमिनेशन। असेट डिटरमिनेशन क्या है? जो मेन असेट्स होती है, लाइक हमने क्लासीफाई कर दी, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, व्हीकल, तो ये क्या हो गए? हमारे असेट्स डिटरमिनेशन। अब जब हम मेन जब एसेट में करेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद बनते हैं हमारे स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट तो
फील्ड को खाली मेंटेन करने के लिए होती है कि क्या आपको मैंडेटरी करना है, सप्रेस करना है, ऑप्शनल करना है, तो उसके लिए बेसिकली होती है। देन आता है असेट्स क्लास। असेट्स क्लास में क्या होता है, अब जो असेट डिटर्मिनेशन है उसको आपने डिवाइड कर दिया। लाइक असेट दो टाइप के हो गए, फिर हमारे हमने डिवाइड किया, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, बिल्डिंग हमने डिवाइड कर दी, ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी को डिवाइड कर दिया, हैवी मशीन है, नॉन हैवी मशीन है, फर्नीचर पिक्चर को डिवाइड कर दिया, ऑफिस फर्नीचर है, फैक्ट्री फर्नीचर है, एज ई शो ऑन। आप इसको असेट क्लास में अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ये तो मेन असेट्स हो गए जिनको आपने फिट बनाया है कि इस तरह की असेट्स हो सकती है हमारे पास, उनको भी आपने कैटेगराइज कर दिया। अब उसके बाद बनते हैं असेट्स मास्टर रिकॉर्ड, जिन्हों जैसे जीएल बनते थे ऐसे असेट्स में असेट्स मास्टर बनते हैं कि आपके पास लाइक लीज के लिए आपके पास मल्टीपल डल हो तो लीज 1, 2, 3, 4 ऐसी आप बना सकते हो, फ्री के लिए फ्री होल्ड 1, 2, 3 ऐसी, ऑफिस बिल्डिंग आपके पास बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग है तो ऑफिस बिल्डिंग 1, 2, 3 ऐसे बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मास्टर रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन कर रहे हो। जैसे अभी मशीन आपके पास मल्टीपल टाइप की मशीन है तो मशीन के नाम से बना सकते हो, मैंने तो एग्जांपल दिया मशीन 1, 2, 3 इस तरह से बना दिया, ऐसी ऑफिस बनी थी, तो असेट्स मास्टर रिकॉर्ड में हमारे ये बनाया जाता है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आप किस मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हो, एसएलएम से कर रहे हो, डब्ल्यूडीवी से कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। वैसे मेन जो यूज होते हैं यही होते हैं, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब हमने सपोर्ट डिफाइन कर दिया कि मशीन इस पर 5% लगेगा, इस पर 10% लगेगा, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसमें दो मेथड लिए हैं, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल में हमने डेट 1 अप्रैल 2019 को हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हमने 1 लाख की खरीदी है और दोनों मेथड से मैं बताऊंगा, ठीक है। और 31 मार्च को हमने कहा इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 10% 1 लाख का कितना हो गया, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा और 10,000 हमारा सेम इस पर भी लगा। तो अब वैल्यू कितनी रह गई इसकी, 1 लाख में से 10,000 गए, बचे कितने, 90,000। तो मीन्स 1 अप्रैल 2020 को मशीन कितने की है, 90,000 रुपये की है, सेम। अब आप कहोगे दोनों सेम है, बट नेक्स्ट ईयर में अब क्या हुआ, 31 मार्च 2021 को जब फिर से डेप्रिसिएशन लगा 10%। अब जो स्टेट लाइन में क्या होता है, जो वैल्यू में हमने खरीदी होती है स्टार्टिंग वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन हमारा लगता है, ठीक है। तो 1 लाख पे ही लगेगा, तो 1 लाख पे 10% दोबारा से 10,000, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो रिटर्न होके आई है वैल्यू, उस पर 10% लगेगा। अब 90,000 पे लगेगा इस पर, 90,000 पे 10%, 9,000, तो वैल्यू कितनी, 81, ऐसी सो ऑन चलता रहेगा। तो इस तरह से दोनों मेथड हमारे कैलकुलेट होते हैं। तो प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे आशा आपको ये समझ में आया होगा इसका कि असेट्स क्या होती हैं, कि असेट्स के कंसेप्ट। आज हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, प्रैक्टिकल में आज हम सीखेंगे कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल आइटम एक्विजिशन एंड असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पे, फिर इसे समझते हैं क्यों बनाते हैं इसे, ठीक है। तो इसके लिए पाथ पे जाते हैं, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस, आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एनआरआई, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एरिया, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ रहा है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, चार्ट ऑफ एक ग्रुप ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया आर कॉल्ड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन एरिया, अब डेप्रिसिएशन एरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे इनकम टैक्स लॉ होता है, कंपनी लॉ होता है और भी मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, जैसे अलग अलग हर किसी में, हर लॉ में डेप्रिसिएशन का अलग मेथड है, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग चार्ट ऑफ एरियाज बताए, वो डेप्रिसिएशन एरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वही जो
अलग अलग डेप्रिसिएशन एरिया होते हैं, उन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या होता है, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कॉपी पे आते हैं, कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा फ्रॉम चार्ट ऑफ, किस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से इसे कॉपी करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसमें बने होते हैं, हम उन्हीं से ही कॉपी करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए देखते हैं कोई है, ये रहा देखिए सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया, इंडिया के लिए प्री डिफाइंड बना रखा है, ऐसी अलग अलग कंट्रीज के लिए है, तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 1IN से हम कॉपी कर रहे हैं अपनी कंपनी आइडिया में। ठीक है, इसको क्लिक कर एंड इसे यस कर दे। तो ये क्या हो गया, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉपीड हो गया। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसे हम देखते हैं, बैक आते हैं, यहाँ स्पेसिफाई चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब इसको स्पेसिफाई करना है, इसको हम तो हमने क्या बनाया, हमने इसको कॉपी किया आइडिया में। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पर हम इसका नाम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिख देते हैं आइडिया। ठीक है, आइडिया के लिए है, तो इसको सैंपल को हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आइडिया के लिए हो गया। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया, बैक आते हैं, थर्ड पे आ गया कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया, तो देखिए जो चीज अभी मैंने बताई है वो अब यहाँ पर आएगी। देखिए अलग अलग डेप्रिसिएशन बहुत सारे यहाँ पर, और बाय डिफॉल्ट बनाए कॉस्ट अकाउंटिंग बुक डेप्रिसिएशन शेषन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है। तो हम क्या रखते हैं, हम ये दो रखते हैं ऑनली, इसको हम बाकियों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने दो रखे, एक बुक डेप्रिसिएशन रखा है, एक डेप्रिसिएशन एज पर। अब इसमें आगे देखेंगे जीएल 1 और 0। 1 मतलब रियल टाइम पोस्टिंग के लिए 1 होता है, 0 जिसमें रियल टाइम पोस्टिंग नहीं होती। अब रियल टाइम पोस्टिंग क्या होती है, रियल टाइम पोस्टिंग होती है जिसमें हम जीएल बना के अपनी एंट्री पोस्ट करेंगे, वो होती है रियल टाइम पोस्टिंग, वो उसमें हम किस में करेंगे, बुक डेप्रिसिएशन में। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट में हम एंट्री रियल टाइम में नहीं करेंगे, ये बेसिकली हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय आप अपनी कंपनी का किस तरह से आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो बस उसके लिए बनाते हैं। बट जो हमें एंट्री करनी है वो किस में करनी है, बुक डेप्रिसिएशन पे। आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एरिया पोस्ट इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में पोस्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम किस में बनाएंगे, बुक डेप्रिसिएशन को यूज करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग और भी बना सकते हो एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम इसे सेव कर देंगे। सेव, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे बैक आते हैं, तो हमारा इतना काम, तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने कॉपी किया 1IN से। ठीक है, उसके बाद उसका नाम चेंज किया स्पेसिफाइड डेप्रिसिएशन डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में, एंड देन कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया, जो हमारे मल्टीपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरिया थे उसमें से हमने बाकी को डिलीट करके दो डेप्रिसिएशन एरिया रखे हैं बस, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और बुक डेप्रिसिएशन। तो हम रियल टाइम में किस में पोस्ट करेंगे, बुक डेप्रिसिएशन में। तो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी कंपनी अलग 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 लॉ के हिसाब से अलग अलग टाइप से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है, तो उसके ही उन्हें क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन एरिया, और इनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हम क्लिक। अब आता है दूसरा में क्या है, अब हमारा सेकंड में, तो फर्स्ट हमारा हो गया कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। इसका टी कोड क्या होता है, EC08, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल आइटम और एक्विजिशन। ठीक है, इसको आइटम को यहां से हटाते हैं। ठीक है, एक्विजिशन, अब ये क्या होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम असाइन नहीं कर सकते चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी को जब तक हम इस ऑप्शन को असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर ना सेट करें। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर हम इसलिए नॉन टैक्सेबल पे इसलिए करते हैं
कि अब कोई भी असेट्स खरीद रहे हो तो उस पर टैक्स तो पे करोगे, ठीक है। बट समटाइम ऐसा होता है कि हमें नॉन टैक्स की एंट्रीज भी पोस्ट करनी होती है हमारे एसएपी में, ठीक है। सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, या कोई कहीं से आपकी ऐड करना है, आपको कोई भी एसेट्स आपकी पुरानी है आपको एसएपी में ऐड करनी है, तो उसके लिए आप टैक्स नहीं पे करोगे। तो उसके लिए नॉन टैक्सेबल आइटम को भी आपको इस ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको सेट नहीं करोगे तो असाइन नहीं होगा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके कंपनी को, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ये बाय डिफॉल्ट एसएपी क्या समझता है कि आप कोई भी असेट्स खरीद रहे हो तो उस पे आप वो टैक्स पे करोगे ही करोगे, बट जो मैंने रीजन बताया तो उसके लिए हमको नॉन टैक्सेबल इंडिकेटर सेट करने पड़ेंगे एसएपी। तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, टैक्स ऑन सेल्स परचेस पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है असाइन टैक्स कोड फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको इसका जो टी कोड है वो क्या है, OBCL है, ठीक है। तो हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी कंपनी है आइडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आ गई तो इनपुट टैक्स के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर V0, और इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे A0, ठीक है। V0 A0 आपको दिखा देता हूँ क्या चाहिए। V0 क्या है, जीरो टैक्स कोड, तो V0 जीरो टैक्स कोड है और इनपुट के लिए, और A0 जीरो आउटपुट टैक्स कोड है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स कोड V00, इस पे टैक्स ही लगता है, V0 जीरो टैक्स कोड इनपुट एंड A0 आउटपुट जीरो टैक्स, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, तो ये भी हो गया। अब बैक आते हैं, देन अब हम दोबारा से अपने असेट्स अकाउंटिंग पे आएंगे। असेट्स अकाउंटिंग देखिए वहीं पर ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड, इस पे क्लिक कर देंगे। अब हमने अपने कंपनी कोड से अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को लिंक करना है, ठीक है। आइडिया हमने हमारे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का नाम भी क्या है, आइडिया ही है, ठीक है। क्या आ गया, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आइडिया, इसको हम सेव कर देंगे। हो गया डेटा बस सेव। तो ये थे हमारा आज की वीडियो में, हमने सीखा कॉपी रखते हैं चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन किस तरह से बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर और असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी, ठीक है। आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। असेट्स अकाउंटिंग की दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में असाइन करना, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर भी आपको इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्ड क्लास असेट्स अकाउंटिंग की, तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अकाउंट सबसे पहले आप बनाते हैं, हम स्पेसिफाई अकाउंट डिटरमिनेशन, ठीक है। हमने असाइन कर दिया था, अब हमारा स्पेसिफाई अकाउंट डिटरमिनेशन। स्पेसिफाई अकाउंट डिटरमिनेशन मैंने आपको बताया था, जो मेन असेट्स होती हैं जो कैटेगराइज करती हैं वो क्या होती है, हमारे अकाउंट डिटरमिनेशन। तो इनको हमें क्रिएट करना है, तो इन्हें क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, एसपीआरओ, एसपीआरओ एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असेट्स क्लासेस, एंड देखिए यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई अकाउंट डिटरमिनेशन, आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटरमिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर न्यू एंट्री पर क्लिक करते हैं। तो हमारे इंफोपोज मैं कैसे बनाता हूँ, लाइक हमारी कंपनी का नाम है आइडिया एंड सपोज मैं मशीन के लिए बना रहा हूँ, प्लांट और भी आप बना सकते हो, ठीक है। प्लांट
एंड मशीनरी, ठीक है। इस तरह से आप और क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी एक ही सीरीज को लेकर बनाऊंगा, प्लांट एंड मशीनरी पर बना रहा हूँ, बाकी हम आगे और भी करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बना लिया आइडिया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देंगे। देखिए हमारा बन गया है अकाउंट डिटेल। आइडिया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आप नंबर से ही बना सकते हो। मैंने कंपनी कोड और उसका प्रीफिक्स में मैंने कंपनी कोड दे दिया, सफिक्स में मैंने उसको नाम दे दिया प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए हम एक्सेल में आके देखते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी बना दिया। इसकी तरह ही आप लैंड बिल्डिंग ये बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम बाहर आते हैं, उसके बाद है क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल्स। स्क्रीन लेआउट रूल्स मैंने आपको बताए थे कि ये बेसिकली हमारा काम करते हैं आपके स्क्रीन लेआउट। मैंने बताया था इट स्पेसिफाई द फील्ड इन द मास्टर रिकॉर्ड विच इज मैंडेटरी सप्रेस एंड ऑप्शनल। बेसिकली ये फील्ड्स को कंट्रोल करते हैं असेट्स मास्टर में, कि आप किस फील्ड को ऑप्शनल रखना चाहते हो, मैंडेटरी रखना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो। ये चीज मैंने आपको जैसे जीएल में मैंने आपको पढ़ाई थी फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर असेट्स अकाउंटिंग में हमें स्क्रीन लेआउट टूल्स बनाना पड़ता है, जैसे उसमें फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाते थे। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो था हमारे यहाँ पर है स्क्रीन लेआउट टूल्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर यहाँ आपको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। तो हमारी क्या मशीन है, तो ये जनरल मशीनरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देते हैं पी आइडिया प्लांट एंड मशीन, ठीक है। प्लांट मशीन, ठीक है। तो हमने ये स्क्रीन लेआउट टूल्स को भी यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी से हम कर देंगे सेव। तो हमारा बन गया है आईडी पीएम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, हमने जो ये आपको याद भी रहेगा स्क्रीन ले अकाउंट डिटरमिनेशन हमने बनाया आइडिया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये बनाया हमने आईडी पीएम, ठीक है। अब है नंबर, ठीक है। ये दो चीज हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये बहुत ही सिंपल है। अब हम बाहर आ जाएंगे, इसकी जो सेटिंग है वो हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है। देख यहाँ पर खाली हमने क्रिएट किया है ये, उसका जाता है डिफाइन नंबर रेंजेस। नंबर रेंजेस हम क्यों बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने पढ़ा था नंबर रेंजेस डाले थे, कि जब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा पहला आएगा, दूसरा पोस्ट करेंगे तो सेकेंड थर्ड फोर्थ। जैसे हमने डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाई थी, ऐसे यहाँ पर क्या बनेगी असेट्स नंबर रेंज, कि आप पहली असेट बनाओगे तो वन, दूसरी बनाओगे टू, ऐसी आप कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट 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 नंबर रेंजेस से। तो नंबर रेंजेस पे आते हैं, हमारी कंपनी का कोड का नाम क्या है आइडिया, ठीक है। आइडिया पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमने पहले बनाई 01, हमने यहाँ बना दी 100 से 199, ठीक है। इसमें और भी प्लस कर सकते हो, तो मेरी एक ही साइड से प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने उसके लिए हमने 01 बना दिया। ऐसे आप प्लस करोगे तो 02 दूसरी साइड के लिए बना लिए, फिर प्लस 03 तीसरी साइड के लिए बना लिए। तो ये इस तरह से आप मल्टीपल नंबर रेंज भी ऐड कर सकते हो। अभी हमारी सिंगल नंबर रेंज है, तो मैंने सिंगल यूज कर रहे हैं। ये 01 आप किस लिए यूज करेंगे, ऑनली प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई मशीन भी हम खरीदेंगे तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने 100 से स्टार्ट की है और 199, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव। अब आ जाएंगे बाहर, मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्पेसिफाई अकाउंट डिटरमिनेशन। अकाउंट डिटरमिनेशन बेसिकली जो काम करता है वो हमारी मेन असेट्स जो होती है, मेन असेट्स को कैटेगराइज करने के लिए हम अकाउंट डिटरमिनेशन में आते हैं। स्क्रीन लेआउट हमारी स्क्रीन को फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है, ऑप्शनल सप्रेस जो भी करना है आपको वो हमने बना लिया है।
नंबर रेंजेस भी हमने डिफाइन कर दिया। अब आती है बात असेट्स क्लासेस, ठीक है। असेट्स क्लासेस क्या थी? असेट्स क्लासेस क्या थी कि आप जो अपनी मेन अकाउंट, मेन आपके असेट्स है उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि हैवी मशीन है, नॉन हैवी है या वट एवर, उसको भी आप पर्टिकुलर डिवाइड कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए, असेट्स क्लास को बनाने के लिए हम क्या आते हैं यहाँ पर ही, सेम उसी पाथ पे हम डिफाइन स्पेसिफाई अकाउंट रूल बनाया, स्कीम लेआउट बनाया, डिफाइन नंबर रेंजेस बनाए और अब है असेट्स क्लासेस। तो डिफाइन असेट्स क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। न्यू एंट्री पे आते हैं तो यहाँ पूछ रहा है असेट्स क्लासेस। तो हम असेट्स क्लास में आ चुके हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे क्या है, सबसे पहले है हमारे प्लांट मशीन, हैवी मशीन या नॉन हैवी मशीन, ठीक है। तो इसमें आते हैं एसएपी में, तो यहाँ पर हमने डाल दिया आइडिया हैवी प्लांटेड मशीन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया हैवी मशीनरी फॉर आइडिया, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है अकाउंट डिटर्मिनेशन, ठीक है। अकाउंट डिटर्मिनेशन अभी हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था आइडिया प्लांटेड मशीन भी, ये बनाया था। स्क्रीन लेआउट रूल भी अभी हमने बनाया था आईडी पीएम, ठीक है। ये आईडी पीएम, ठीक है। उसके बाद आता है हमें नंबर रेंज, नंबर रेंज भी अभी हमने बनाया है 01, तो 01 आइडिया 01 ये हमने नंबर इन बनाया था, ये हमारी कंपनी थी, ठीक है, हो गया। उसके बाद इन्वेंटरी डेटा पे आपको चेक करना है। अब यहाँ से इसे सेव कर देंगे, इसको क्लिक, देखिए जो जो हमने बनाया वो सारे हमने इसमें एंटर कर दिए। तो असेट क्लासेस भी इस तरह से आप और भी असेट क्लासेस बना सकते हो। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमारा जो था टॉपिक वो थे स्क्रीन अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाना, स्क्रीन लेआउट क्रिएट करना, नंबर रेंजेस बनाने और असेट्स क्लासेस बनाने। तो मैंने यहाँ पर आपको एक असेट से बताया है, प्लांट एंड मशीनरी से। आप और भी असेट्स साथ साथ क्रिएट करिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके स्क्रीन लेआउट रूल्स बनाइए एंड नंबर रेंजेस उनके अलग अलग डिफाइन करिए। मैंने जैसे 01 ओनली मशीन के लिए बनाई थी, आप 02 फर्नीचर के लिए बनाइए, ऐसी 03 लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह से बनाइए, ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन असेट्स क्लासेस। असेट्स क्लासेस में ऐसी जैसे मैंने नॉन हैवी हैवी मशीन बनाई, ऐसी आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंगल पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजी वे में अभी सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा क्रिएशन ऑफ जीएल। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ जीएल और असेट्स अकाउंट। तो जीएल क्रिएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें ट्रांजेक्शन एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज होती हैं असेट्स अकाउंट के लिए। तो मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पर दी है। मैंने एक मशीन का एग्जांपल लिया है जो मेरे वीडियो में सीरीज में चल रहा है। तो हमने क्या करिए, एक मशीन परचेज करिए सपोज। तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन हमारे पास है टू वेंडर या कैश। अगर क्रेडिट में किए तो वेंडर आ जाएगा, कैश में किए तो कैश आ जाएगा। कितने रुपए से, 1 लाख। हमने 1 लाख रुपए की हमारी मशीन हमने खरीद ली, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कैश, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर 1 ईयर हमें उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, वो आप पे डिपेंड करता है, आप 6 मंथ में करते हो, मंथली करते हो, नॉर्मली ईयरली करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। नॉर्मल जो हमने आज तक सीखा है, जो हम बुक्स में हमने पढ़ा है, हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर देते हैं, बट इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अगर रियल बिजनेस में जाएंगे तो जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। एक्युमुलेट करते हैं हम, एक अकाउंट खोलते हैं एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, ये बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमने डेबिट कर दिया 60,000 रुपए से, तो हमारा एक्सपेंस खर्चा बढ़ गया और एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन डायरेक्ट मशीन हमने क्रेडिट नहीं दे लिया, ठीक है। तो 1 लाख की मशीन खरीदी थी हमने, 60,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब सपोज अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, सपोज वो असेट जो है हमने प्रॉफिट में सेल कर दिए, ठीक है। अब
1 लाख की एसेट थी, 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। तो कितने की बची मशीन? 40,000 रुपीज की, 40,000 रुपए की। हमने बेच दी उसे 50,000 में, तो हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 50,000 से कर दिया। अब जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था उसे हम लगाएंगे, तो हमने पहले क्रेडिट किया था डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन को हमने लायबिलिटी बढ़ाई थी, उसे खत्म कर देंगे, 60,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन मशीन दी 60,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट साइड कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। अब हमें क्रेडिट साइड भी सेम करनी है, तो मशीन दी कितने की, अब मशीन दी हमारे बेच दी तो मशीन दी खत्म हो गई हमारे यहाँ से, तो 2 मशीनरी क्रेडिट हो गई, जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, बेचते हैं तो क्रेडिट होती है। तो 1 लाख रुपए की मशीन हमने बेची, तो 1 लाख रुपए हमारे क्या हो गए, क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पर हो रहा है 1,10,000 और यहाँ है 1 लाख, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ असेट्स का कितना हुआ, 10,000। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यही असेट्स अगर हम लॉस में बेचें, सपोज हमने 50 की जगह इसे 30 में बेची है, तो 30 में बेची है तो हमारे पास कितना पैसा है, 30,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 रुपये, तो कितना हो गया, 94,000 रुपये। मशीन भी कितने से क्रेडिट होगी, 1 लाख से, तो लॉस हुआ हमें, तो लॉस कितना हुआ हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 10,000 रुपये, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड सेम होती है। तो अब इसमें जो हमारे जीएल यूज हुए कौन कौन से हुए, तो मशीनरी अकाउंट हुआ, ठीक है, एक एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन हुआ, एक हमारा बैंक तो हमारा नॉर्मल होता ही है, एक और प्रॉफिट सेल ऑफ असेट्स हुआ, एक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ, स्क्रैप भी हो सकता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको दी। तो पहला हमारा प्लांट एंड मशीनरी का जीएल बनाएंगे, वो है हमारी असेट्स है फिक्स असेट, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन ये भी हम असेट्स में ही बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेल ऑफ असेट्स, ये हमारी इनकम है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट ये भी हमारी इनकम है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये हमारा एक्सपेंस है, स्क्रैप हो गया अगर मशीन में बिल्कुल ही खत्म हो गई, डैमेज हो गई, तो वो हमारा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन मशीनरी ये क्या हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब जीएल बनाते हैं, जीएल के लिए हम आते हैं एसएपी में, यहाँ पर टाइप करेंगे FL00 जीएल के लिए। ठीक है, तो हम इसको हायरार्की वे इसका देखिए, हमारे कुछ जीएल्स बने हुए हैं, ये हमने एंटर। अब पहला जीएल कौन सा बनाएंगे, हम मशीनी प्लांट एंड मशीनी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनी यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें आते हैं, तो वो किसमें आएगी, हमारी असेट्स में आएगी, तो असेट्स क्रिएट करते हैं हम टू टेन। ठीक है, 10 से हम असेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएट खेलते हैं, क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, क्या चीज है, असेट्स है, क्या नाम है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कंट्रोल डेटा में आएंगे, कंट्रोल डेटा में आके यहाँ पर हमें एक रिकंसिलेशन टाइप, देखिए ये तो हमने दो पढ़ चुके हैं, कस्टमर वेंडर के लिए अकाउंट पेबल रिसीवेबल में, यहाँ पर असेट्स अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, असेट्स, असेट्स का जीएल हम जब बनाएंगे असेट्स लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे हम लाइन आइटम डिस्प्ले, लाइन आइटम डिस्प्ले यहां से लेंगे हम 018 असेट्स नंबर के अकॉर्डिंग, ये शॉर्ट करके देगा। ठीक है, यहां पर आएंगे, यहां पर लेंगे हम C067 रिकंसिलेशन के लिए, ये लेते हैं हम, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर। ठीक है, पहला बन गया हमें प्लांट एंड मशीन जी। ठीक है, अब दूसरा जीएल कौन सा है हमारा, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ठीक है, अब ये बनाते हैं, अब इसको क्रिएट करते हैं, सपोज हम थोड़ी सी गैप दे देते हैं कि और भी असेट्स आ सकती हैं, तो हम 20 से बनाते हैं। ठीक है सर, ये भी हमारी असेट्स है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और मशीन। ठीक है, कुछ कंट्रोल डेटा में वही सेम चीज, यहाँ पर असेट लेंगे, लाइन आइटम डिस्प्ले 018 असेट नंबर के अकॉर्डिंग, रिकंसिलेशन अकाउंट 060।
अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारा सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, ये क्या हमारी इनकम, सेल ऑफ असेट्स बनाते हैं। तो इनकम के लिए हमारा जो अकाउंट है वो है, तो इनकम के लिए हम बनाते हैं, हम इनकम हमारी स्टार्ट होती है 5 से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आते हैं सबसे पहले, ये क्या हमारी इनकम है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स अकाउंट, कंट्रोल डेटा में, यहाँ पर अब नहीं सिलेक्ट करना आपको, बस दो जो अकाउंट बनाओगे प्लांट एंड मशीनरी और एकुमुलेट डेप्रिसिएशन, उसमें ही आपको यहाँ पर रिकंसिलिएशन टाइप असेट्स लेना है, बाकी में नहीं लेना, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो फील्ड स्टेटस आएगा वो आएगा Z052 फिक्स असेट्स रिटायरमेंट, ठीक है। अब इसे हम क्या कर देंगे सेल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा जीएल है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। तो इसी के कॉपी करते हैं, चलिए इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको क्या कर देते हैं फॉर्म, ठीक है, ओके। बस यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। इसमें एक चीज करनी है आपको, एक चीज यहाँ पर G061 करना है, G001 सॉरी G001, ठीक है, इसे सेव कर देंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, नेक्स्ट जीएल है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अभी से बनाते हैं, ये किसमें आएगा एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस हमारे किससे स्टार्ट है 4,000 से, तो हम नया बनाते हैं, ठीक है, 1। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक्सपेंसेस यहाँ पर आएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, वही कंट्रोल डेटा में सेम लाइन आइटम डिस्प्ले असेट्स नंबर, और यहाँ पर आएगा G0, ठीक है, इसको क्या देंगे सेल, तो ऑप्शन सेल ऑफ एसेट बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जीएल कौन सा आएगा हमारा, स्क्रैपिंग का, ठीक है। तो स्क्रैपिंग के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, ठीक है, इसको बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेव कर दें, ठीक है, ये भी बन गया हमारा। नेक्स्ट कौन सा हमारा डेप्रिसिएशन लास्ट, डेप्रिसिएशन मशीनरी बनाने के लिए वही यहां से कॉपी कर लेते हैं 3, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं। तो जीएल हम सारे बना चुके हैं, अब जीएल हमारे सारे क्रिएट हो चुके हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हमारे को बनाने हैं, असाइन करना है जीएल्स, जो हमने जीएल्स बनाए हैं उन्हें हम असाइन करेंगे फॉर ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है, हमें मैनुअल एंट्री पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक, जब हम जीएल असाइन करेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट होगी, वो देखते हैं, ठीक है। तो जीएल पोस्ट करने के लिए कहेंगे एसपी, वो असाइन करने के लिए एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस, आईएमजी, यहाँ पर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग, असेट्स अकाउंटिंग, उसके बाद आना है इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ है असाइन जीएल अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा आइडिया, वो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी
देखिए हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर असेट डिटरमिनेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारी जो असेट डिटरमिनेशन थी वो अकाउंट्स पे, अकाउंट डिटरमिनेशन सॉरी, तो यहाँ पर हमने अकाउंट डिटरमिनेशन पे क्लिक किया। तो हमारी अकाउंट डिटरमिनेशन में क्या बनाया था हमने, आइडिया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, उसका आता है तो नीचे हम देखते हैं, देखिए आइडिया प्लांट एंड मशीनरी आ गई। इस पर क्लिक करके हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, देखिए आ गया आइडिया प्लांट एंड। अब जो हमने जीएल्स बनाए हैं वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्विजिशन का। ठीक है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो हमने बनाया था वो कौन सा बनाया था, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, वो यहाँ आ जाएगा एक्विजिशन में। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर है लॉस मेड ऑन असेट रिटायरमेंट विदाउट रेवेन्यू। ठीक है, विदाउट रेवेन्यू मतलब कोई पैसा नहीं आया और असेट्स हमारी खत्म हो गई, तो उसके लिए हमने एक बनाया था स्क्रैपिंग ऑन मशीनरी। ठीक है, स्क्रैप पे कोई पैसा तो आता नहीं है। उसके बाद है क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम असेट सेल, तो क्लियरिंग करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया है सेल ऑफ असेट्स का, ये रहा सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, उसके बाद गेन फ्रॉम असेट सेल, ये भी हमने बनाया है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, ये रहा उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये भी हमने बनाया है। कहाँ ये रहा। ठीक है, तो सारे हम इसे एंटर करके देख भी सकते हो, अगर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन के लेजर्स को हमें असाइन करना है। तो पहला एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्युमुलेट का भी हमने बनाया है एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन, ये रहा एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन मशीनरी। उसका ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट का था वो भी हमने बनाया था, वो क्या था हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीनरी, देखिए सारे जीएल जितने भी बनाए हमने वो असाइन कर दिए एंटर करके। अब यहाँ से इसे क्या कर देंगे, सेव। तो सारे जीएल हमारे अब असाइन हो चुके हैं। ठीक है, डाटा बस सेव, बैक आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जीएल क्रिएट करते हैं असेट्स अकाउंटिंग। कोई भी असेट्स होगी तो इस तरह से ही आप जीएल क्रिएट करोगे और असाइन करोगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट टाइप, तो पहला है स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने स्टार्टिंग की थी एसएपी को, कि डॉक्यूमेंट टाइप एसएपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने जनरल लेजर्स पढ़ा था तो उसमें हम जो एंट्री पोस्ट करते थे ऐसे डॉक्यूमेंट था, ऐसे ही जब वेंडर इनवॉइस हमने पोस्ट किया था तो के आर डॉक्यूमेंट था, उसकी पेमेंट के समय की जाए। तो अलग अलग टाइप की एंट्रीज को करने के लिए एसएपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से ही हमें डेप्रिसिएशन के एंट्री को पोस्ट करने के लिए भी डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं। तो हम एसेट्स अकाउंटिंग, हम एसएपी में आते हैं, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर, पोस्ट डेप्रिसिएशन टू जनरल लेजर। तो यहाँ पर है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते आएगा डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप एंड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप हमारे, ये सब स्टैंडर्ड हैं जो बने हुए हैं। इसी तरह डेप्रिसिएशन को पोस्ट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप अवेलेबल है जो है एएफ, तो हम इसी का यूज करेंगे और क्रिएट नहीं करेंगे। तो एएफ डॉक्यूमेंट टाइप किसके लिए होता है, डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एएफ में ही आपको एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है, एंट्री जो पोस्ट होगी वो सही होगी। उसके अलावा स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप, इस पे क्लिक करते हैं, अपनी कंपनी को सर्च करते हैं और हम
पर सेट कर देते हैं। देखिए आईडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिकली एएफ हमारा सेट है। तो एएफ क्या है हमारा, जो भी हमारी एंट्री कॉस्ट होगी डेप्रिसिएशन की, वो किस डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू होगी, एएफ। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना है, नंबर रेंज डाल देनी है। ठीक है, तो एएफ जो डॉक्यूमेंट टाइप को क्लिक करते हैं, इसकी नंबर रेंज क्या है, 05। तो नंबर रेंज चेक कर लेते हैं आइडिया इंटरवल्स में आके, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लस करके 05 20 ठीक है, तो 05 9 करके उसे प्लस कर देंगे। तो नंबर रेंज हमारी ऐड हो गई। ठीक है, तो नंबर रेंज डाल दिया, बस इतना ही काम होता है डॉक्यूमेंट टाइप में करने के लिए। उसके बाद क्या है हमारा, डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर असेट्स मास्टर डेटा। ठीक है, आपने मैंने ऊपर आपको एक स्क्रीन लेआउट बनाना सिखाया था, क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल्स। यहाँ पर क्या किया था, बस आपने क्रिएट किया था, नाम देखे हमने, नाम क्या दिया था, IDPM। अब जो उसकी सेटिंग होगी वो यहाँ पर होगी, डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर असेट्स मास्टर। ठीक है, तो उसके लिए हम बाहर आते हैं। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, असेट्स अकाउंटिंग में ही यहाँ पर है मास्टर डेटा स्क्रीन लेआउट। देखिए यहाँ पर आ रहा है डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर असेट्स मास्टर डेटा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारा कौन सा था, IDPM। देखिए आ गया, इस पर क्लिक करके हम लॉजिकल फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लॉजिकल फील्ड्स आ गए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फील्ड स्टेटस वेरिएंट, वो किसके लिए था हमारा, जनरलेजर अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स सीबल, ऐसे असेट्स मास्टर्स के लिए हमारा क्या होता है, स्क्रीन लेआउट रूल्स। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं जनरल डेटा पोस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये आपको कहाँ दिखेंगे, मैं एक नया सेशन क्रिएट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर डालना है AS02। ठीक है, असेट्स मास्टर स्क्रीन पे आ गए हम, तो देखिए ये जो हम यहाँ देख रहे हैं जनरल डेटा पोस्टिंग इंफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट डेटा, वो कहाँ पर दिखा है वो देखिए, टैब से जनरल डेटा। ठीक है, नीचे है पोस्टिंग इंफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट एलोकेशन ओरिजिन, वो सब कुछ आपको इस स्क्रीन की सेटिंग के लिए हमारे को ये स्क्रीन लेआउट रूल्स की सेटिंग करनी पड़ेगी कि क्या फील्ड आप ऑप्शनल रखना चाहते हो। देखो मैं अब मुझे जनरल फील्ड की चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा, फील्ड ग्रुप रूल्स पे जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गए हैं। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन वन, किस पे रिक्वायर्ड, तो डिस्क्रिप्शन वन क्या है हमारी, मैं असेट मास्टर पे जाता हूँ, तो ये है डिस्क्रिप्शन, ये है वन। ठीक है, तो ये क्या हमारी, ये रिक्वायर है क्योंकि ये डालनी जरूरी है, डिस्क्रिप्शन से ही तो पता चलेगा किस टाइप के असेट्स हैं, तो हमने इसको क्या ये रिक्वायर्ड कर रखी है। ऐसी अगर डिस्क्रिप्शन टू को भी आप रिक्वायर करना चाहते हो, रिक्वायर्ड से क्या होगा कि आप इसको फिल करना ही पड़ेगा, अगर आप फिल नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी ऐसे हम आते हैं जैसे टाइम डिपेंडेंट पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो इसमें कॉस्ट सेंटर, देखिए कॉस्ट सेंटर क्या हो रहा है, रिक्वायर आ रहा है, तो कॉस्ट सेंटर को भी हमने बनाया नहीं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऑप्शनल कर देते हैं। ठीक है, फिर उस पर आते हैं, पोस्टिंग इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं या एलोकेशन में देखते हैं, यहाँ सब ऑप्शनल ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंपनी के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी कि क्या फील्ड को ऑप्शन रखवाना चाहते हैं, क्या रिक्वायर रखवाना चाहते हैं।
उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हम कर देते हैं, कैपिटलाइज डेट को हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर कर देते हैं, उसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको असेट्स मास्टर में के लिए यहां पर स्क्रीन लेआउट में सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टाइप में हम स्पेसिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप को, किस डॉक्यूमेंट टाइप पे एंट्री पोस्ट होगी। तो AF हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है बाय डिफॉल्ट। स्क्रीन लेआउट में हम स्क्रीन के फील्ड्स को फील्ड की सेटिंग करते हैं कि क्या फील्ड हमारी ऑप्शन होनी चाहिए असेट्स मास्टर में, क्या हमारी रिक्वायर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफाइन स्क्रीन लेआउट। तो अब है हमारा डिफाइन डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। डिफाइन डेप्रिसिएशन मेथड्स के लिए हम आते हैं SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग। तो कहना है डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन मेथड, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, डिफाइन बेस मेथड, डिफाइन डिक्लाइन, बैलेंस मेथड, डिफाइन मैक्सिमम अमाउंट मेथड, डिफाइन मल्टीपल। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बट हम जो यूज करने वाले हैं डिफाइन मल्टी लेवल मेथड्स, इनको इनका भी मैं आपको भी सब बताऊंगा। पहले हम बनाते हैं डिफाइन मल्टी लेवल। तो हमारा चार्ट ऑफ डेफिनेशन था आइडिया, ठीक है। आते ही हम यहाँ करेंगे न्यू एंट्रीज, ठीक है। अब मेथड्स में क्या क्या डालना है, तो मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया है, दो बनाने हैं हमें। हमने क्या किया, ID01 5% डेप्रिसिएशन ऑन हैवी प्लांटेड मशीनरी एंड ID0 10%। ये SLM मेथड से, WDL, मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो ID01 इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ क्या है, ID1, ठीक है। फोर्थ नहीं लेगा, ये तीन करेक्टर लेता है, तो ID1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, मेथड्स बना रहे हैं कि किस किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया 5% SLM मेथड डेप्रिसिएशन हैवी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा स्टार्ट वैलिडिटी, तो फ्रॉम ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट, ठीक है। जिस डेट पे आप उसे क्या कर रहे हो, समझ लो परचेज कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर। उसका लेवल्स पे हम क्लिक कर देंगे, लेवल्स पे न्यू एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा एक्विजिशन ईयर, तो एक्विजिशन ईयर तो कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ कर देते हैं 9999, ठीक है। अब हैवी प्लांट एंड मशीनरी कितने साल के लिए हो सकती है, लाइक हमने कहा 20 साल के लिए। बेस वैल्यू किस पे लगेगा, बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू जो नॉर्मली होती है वो क्या होती है, हमारी एक्विजिशन वैल्यू, बाइंग वैल्यू, ठीक है, जिस पर हमने उसे एक्वायर किया है। परसेंटेज कितने परसेंट हमने ऊपर लिया है, 5%। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, 5% डेप्रिसिएशन हैवी प्लांट एंड मशीनरी, एक्विजिशन ईयर तो पता नहीं कोई भी हो सकता है, तो 999 कर दिया। कितने साल हम यूज करते हैं, 20 साल, बेस वैल्यू 5%, ठीक है। अभी हम इसे क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, ठीक है, न्यू एंट्री ID2। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा टेन परसेंट WDV, ठीक है, नॉन हैवी पे। तो हमने यहां पर पेस्ट कर दिया, वही स्टार्ट डेट, फिर लेवल्स पे आते हैं। अब यहां पर क्या करना है आपको, एक्विजिशन ईयर वही 999, कितने साल के लिए करते हैं, वो सपोज 40 ईयर, अब 10% आ गया। अब आती है बेस वैल्यू, अगर हम बेस वैल्यू लेते हैं तो वो जब भी डेप्रिसिएशन लगाएगा वो इसी वैल्यू पे लगाएगा, बेस वैल्यू, एक्विजिशन वैल्यू,
लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू डी बी। तो डब्ल्यू डी बी जब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा नेट बुक वैल्यू। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पढ़ाई थी, देखिए कि स्टेट लाइन में क्या होता है, डेफिनेशन ऑलवेज किस पे लगता है, बेस वैल्यू पे, और डब्ल्यू डी बी में क्या लगता है, जितनी वो रिटर्न होके वैल्यू आती है उस पर डेफिनेशन लगता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, नेट बुक वैल्यू, ठीक है, 10% इसको कर देंगे सेव। तो अभी हमारे दो ही मेथड है, तो दोनों हमने क्रिएट कर लिए हैं। इस तरह से आपके और भी हैं तो आप यहाँ बना सकते हो, देखिए ID 1 और ID 2 तो हमारे अब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब है हमारा लास्ट, मेंटेन डेप्रिसिएशन की, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन की बनानी है जो हमारी असेट्स मार्केट के साथ लिंक होगी, ये मेन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, मेंटेन डेप्रिसिएशन, देखिए वही पाथ है, कैलकुलेशन मेथड यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन की, मेंटेन डेप्रिसिएशन की। यहाँ पर आ गए, न्यू एंट्री पे आएंगे, अब ये पूछेगा डेप्रिसिएशन की, तो हमने बना दिया ID 01, ठीक है। क्या है, सेम यही ले लेते हैं जो हमने बनाया था, 5%, ठीक है। हम मशीन पे कितना लगा रहे हैं ना, 5%, ठीक है। अब यहाँ पर की बना रहे हैं, वहां मेथड्स बनाए थे, ठीक है, इतना हो गया। अभी ये इनएक्टिव आ रहा है, एक्टिवेट हम बाद में करेंगे, ठीक है, बनाने के बाद। तो यहाँ पर कुछ नहीं देना है, यहाँ कुछ नहीं देना है, यहाँ पर आ रहा है पीरियड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कंट्रोल होगा, यस। डेप्रिसिएशन ऑन टू द डेट, यस, इस पे क्लिक कर देंगे। पर इतना करने के बाद अब किस पे आएंगे, असाइनमेंट टू कैलकुलेशन मेथड्स, ठीक है। यहाँ भी न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा डेप्रिसिएशन टाइप, डेप्रिसिएशन टाइप ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन है हमारा। पेज स्टार्ट कब से होता है, स्टार्ट फ्रॉम द डेट स्टार्ट डेप्रिसिएशन से स्टार्ट होगा। अब देखिए जो मैंने वहां आपको बताया था, बेस मेथड, डिक्लाइन बैलेंस, ये यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है बेस मेथड। बेस मेथड क्या यूज करोगे आप, बेस मेथड आप बनाते नहीं है, ये हम बनाते नहीं है, स्टैंडर्ड है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, 0014 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0012 भी होता है, इसे भी कई मोस्टली कंपनियां यूज करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या होगा कि जैसे कोई हमने असेट्स खरीदी, जैसे हमने उस पर परसेंटेज सेट कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जैसे कोई असेट्स है, हमने 1 लाख रुपए की असेट्स खरीदी, ठीक है। अब हमने उसमें क्या करा, हमने कहा कि वो उस पे हम 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ हमने कहा 10 साल है, ठीक है। हमने लेकिन उस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 20%, तो 5 साल में खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद ये अगर ये मेथड लेते हैं तो उसके बाद इस ये टेक केयर नहीं करेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर 14 लेते हैं तो आफ्टर एंड ऑफ लाइफ के बाद भी उसको डेप्रिसिएशन को वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो यूज करते हैं 14 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लेते हम। पीरियड कंट्रोल, पीरियड कंट्रोल अभी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसको बाहर जाके समझाऊंगा। 001 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है। मल्टी लेवल मेथड तो अभी हमने बनाया ही है, कौन सा बनाया था SLM के लिए, ID 1, ठीक है, ID 1 में लाया था। क्लास क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो बस इसे हम क्या कर देंगे, सेव, ठीक है, सेव हो गया। अब बाहर आके इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। तो हमारा ID 1 है, देखिए अब इनएक्टिव आ रहा है, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको एक्टिवेट, एक्टिवेट सक्सेसफुली हो गया, इसे सेव कर देंगे। अब जो हमारा था क्या था, पीरियड कंट्रोल, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, पीरियड कंट्रोल, ये पीरियड कंट्रोल। पीरियड कंट्रोल में क्या, अलग अलग ये स्टैंडर्ड बने हुए, 001, 002, तो इसमें क्या है, एक्विजिशन है, एडिशन है, रिटायरमेंट है एंड ट्रांसफर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे पहला है, इसमें हम चेक करते हैं, अब सारे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो किसके बारे में। सबसे पहला है प्रोराटा एट द पीरियड स्टार्ट डेट, ठीक है।
उसके बाद एडिशन के लिए भी यही लिया है, रिटायरमेंट के लिए क्या लिया है, टू टू प्रोराटा अप टू मिड पीरियड एट द स्टार्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस हिसाब से पीरियड के अकॉर्डिंग डेफिशन को कैलकुलेट करती है। अगर हम ये वाला लेते हैं, देखिए नीचे 005, तो ये क्या होगा, 6 लिया एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ये आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, बाकी आपको नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड को ही यूज करना है। तो आज की वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करना, स्क्रीन लेआउट, डेफिनेशन मेथड बनाने, डेफिनेशन कीज बनानी, ठीक है। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं, फोर्थ स्टेप कॉन्फिगरेशन के हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ में क्या है हमारा, डिटरमिनेशन डेप्रिसिएशन एरिया इन द असेट्स क्लास। अब मैंने आपको, ये हमारे थे असेट डिटरमिनेशन, ये थी हमारी असेट्स क्लास, और हमने लास्ट क्लास में आए थे डेप्रिसिएशन की। हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन की को अपनी असेट्स मास्टर से लिंक करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, डिटरमिनेशन डेप्रिसिएशन एरिया इन द असेट्स क्लास, ठीक है। अब जो हमारी, जैसे सपोज हमने प्लांट एंड मशीनरी असेट डिटरमिनेशन लिया, ये हमारी मेन असेट्स हो गई, और जो असेट्स क्लास है जो इसके अंडर आती है, जैसे हैवी मशीन, नॉन हैवी, ये तो मैं आपको पता ही है, बता दिया था मैंने आपको। तो मेन असेट्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, और यहाँ पर हैवी मशीन, नॉन हैवी मशीन, इस तरह से मैंने और भी एग्जाम्पल दिए थे। असेट्स क्लास में हमने उन्हें डिवाइड कर लिया है, असेट्स मास्टर में हम उनको और डिवाइड कर देंगे कि मशीनरी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, अगर हैवी मशीन, अगर मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ डेप्रिसिएशन की असेट्स क्लासेस लेवल पे, तो इस हैवी मशीन के अंदर जितनी भी असेट्स क्रिएट करूंगा तो उनपे सेम डेप्रिसिएशन की एप्लीकेबल होगा, सेम डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल, ठीक है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए हम कहाँ आते हैं, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, असेट्स अकाउंटिंग, यहाँ वैल्यूएशन, यहाँ पर आ रहा है डिटरमिनेशन डेप्रिसिएशन एरिया इन द असेट्स क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम अपना स्टार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डाल देंगे, आइडिया ही हमारा, ठीक है। यहाँ हमारी असेट्स क्लास है, हमने जो असेट्स क्लास बनाई थी वो बनाई थी आइडिया हैवी प्लांट एंड मशीन, यही है हमारी, उसका डेप्रिसिएशन एरिया पर क्लिक। तो सबसे पहले हमें डीएक्टिवेट इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आना पड़ेगा, अभी ये देखिए, अभी ये सफेस हो रहे हैं, अभी ये ओपन हो जाएंगे जब मैं यहाँ पर लेआउट सेलेक्ट करूँ। तो लेआउट क्या होता है, लेआउट पर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए लेआउट में क्या पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन मेन असेट्स नंबर लेवल, 2000 डेप्रिसिएशन ऑन सब असेट्स नंबर लेवल। अगर आपकी कोई सब असेट्स नहीं है तो आप 1000 ले सकते हो, अगर आपकी असेट्स में सब असेट्स भी होती हैं तो आप 2000 लोगे। सब असेट्स क्या होती हैं, जैसे कोई बड़ी मशीन है, ठीक है, इसका कोई पार्ट, इसका कोई सब असेट्स, तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे हैवी मशीन वन है तो इसका सब असेट्स कुछ हो सकता है, मोटर कुछ एडवर, तो वो आप सब असेट्स में दोगे। तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ 2000 ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज हमने कहा इसमें सब असेट्स भी है, और यहाँ भी हमने क्या ले ली, 2000, ठीक है। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए आगे डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की हमने बनाई थी डी, क्या बनाया था, D0, ID01, ठीक है, 5% SLM डेप्रिसिएशन ऑन हैवी मशीनरी, तो यहाँ ले लिया, एंटर कर देंगे, ठीक है। यूजफुल लाइफ पर ये हम असेट्स बनाते समय डालेंगे, इसे हम सेव कर, सेव हो गया, इतना काम कंप्लीट, ये हमारा फाइनल कॉन्ट्रीब्यूशन इस टाइप का। इसके बाद हमारा क्या है, असेट्स मास्टर क्रिएशन, ठीक है। असेट्स मास्टर हमें क्रिएट करते हैं, असेट्स मास्टर बनाने के लिए कहा थे, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स असेट्स, असेट्स क्रिएट, ठीक है, क्रिएट असेट्स, चेंज, डिस्प्ले, लॉक, डिलीट, वो सब आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट। तो यहाँ पर पूछा है असेट्स क्लास, तो हमारा कंपनी कोड क्या है, आइडिया,
यहाँ पूछ रहा है असेट्स क्लास, तो सबसे पहले हमें असेट्स क्लास लेवल पे बना रहे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, तो हम इसके अंदर बनाएंगे ना, असेट्स क्लास के अंदर हम असेट्स मास्टर बनाएंगे, तो हमें असेट्स क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो असेट्स क्लास क्या है हमारी, आईडीएल, आइडिया हैवी मशीन, ठीक है आ गया। अब में क्या जाएंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करके पूछेगा डिस्क्रिप्शन, आपकी मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो डालिए। हमने डाला सपोज मैन्युफैक्चरिंग मशीन डाल देते हैं, मशीन ठीक है। वन डिस्क्रिप्शन टू डालना है, डाल सकते हैं ठीक है, इतना डाल देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देना आपको। उसके बाद आ रहा है कैपिटलाइज ऑन, कैपिटलाइज किस डेट को होगी ठीक है। तो कैपिटलाइज की डेट हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल रखा है, तो हम आज की डेट डाल देते हैं। उसके बाद डीएक्टिवेट, कब ये असेट्स डीएक्टिवेट हो जाएगी, अगर कोई असेट्स खत्म हो गई तो आप डीएक्टिवेट यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं टाइम डिपेंडेंट टैब पे, ये मैंने जब आपको स्क्रीन लेआउट पढ़ाया था तो आपको सारे टैब्स बताएंगे। बिजनेस एरिया अगर आपका है तो आप डाल सकते हो ठीक है, नहीं है तो छोड़ सकते हो। कॉल सेंटर हमने क्या कर दिए थे, ऑप्शनल कर दिए थे, कॉल सेंटर अभी हमने पढ़े नहीं है। तो उसके बाद एलोकेशन में आते हैं, एलोकेशन में किस ग्रुप के छोड़ देते हैं ठीक है। वेंडर है कोई ओरिजिन वेंडर तो आप डाल सकते हो ठीक है, तो वेंडर तो हम वहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे हम खरीदेंगे। क्लासीफाई इंश्योरेंस करवाया है तो वो डाल सकते हो, टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइक किस टाइप का इंश्योरेंस है वो डाल सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस, करंट वैल्यूएशन ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है कोई भी डाल दो ठीक है। एग्रीमेंट नंबर जो इंश्योरेंस का नंबर होता है वो आप डाल सकते हो ठीक है, स्टार्ट डेट कब से हो रहा है वो डाल सकते हो ठीक है। अब आता है डेप्रिसिएशन एरिया, देखिए वही स्क्रीन जो अभी हमने देखी थी वो अब यहाँ भी आ रही है। डेप्रिसिएशन की ऑटोमेटिकली आ गई, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यूजफुल लाइफ पूछ रहा है इस मशीन की, तो वो आप पे डिपेंड करता है, सोने का 10 साल है ठीक है। ठीक है स्टार्ट डेट, अब स्टार्ट डेट यहाँ पर सपोज जैसे आज खरीद, आज से डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो या स्टार्टिंग से लगाना चाहते हो, स्टार्टिंग से लगाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हो ठीक है। 1 अप्रैल से मैंने कहा डेप्रिसिएशन, अब 1 अप्रैल से ही लगाएंगे, वो आप डिपेंड करता है। इसको हम सेव कर देंगे, सेव करते देखिए असेट 00 इज क्रिएटेड ठीक है। तो हमारी एक असेट्स क्रिएट हो चुकी है ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सब असेट्स मास्टर क्रिएशन ठीक है। तो उसके लिए हम क्या आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए क्रिएट, यहां पर आएंगे सब सब नंबर, सब सब मतलब सब असेट्स, तो सब असेट्स बनानी है। सब असेट्स किसके अंडर बनानी है, असेट्स कौन सी है हमारी, तो हमारी असेट्स हमने एक ही बनाई है अभी, कौन सी बनाई है हमने, मैन्युफैक्चरिंग मशीन ठीक है, इसके अंडर ठीक है। मास्टर डेटा में आएंगे, अब यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने डाल दी मोटर, ठीक है मोटर वन कैपिटलाइज डेट, बाकी सब कुछ हमने सेम कर दिया है। डेप्रिसिएशन ठीक है वही चीज इसे सेव कर दिया, देखो 101 इज क्रिएटेड, तो सब असेट्स भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने असेट्स बना भी ली, असेट्स को हमने सब असेट्स भी बना ली, अब आता है असेट्स को एक्वायर कैसे करते हैं, एक्विजिशन परचेज ऑफ असेट्स ठीक है। तो उसके लिए हम एसएपी में आते हैं, पोस्ट देखिए कहाँ जाना है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिक्स असेट्स पोस्टिंग एक्विजिशन। अब एक्विजिशन में आएंगे एक्सटर्नल एक्विजिशन में ठीक है। अब यहाँ पूछेगा विथ वेंडर, या अब यहाँ पर अगर आप इसके
अगर आप इनका टी कोड देखना चाहते हो तो आपको करना है, एक्स्ट्रा में आना है, सेटिंग में आना है, यहाँ पर डिस्प्ले टेक्निकल नेम पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू फिक्स असेट्स पोस्टिंग एक्विजिशन एक्स्ट्रा एक्विजिशन। देखिए अब इनके टी कोड भी साथ में डिस्प्ले कर रहा है। वेंडर से खरीदते हो तो F-90 और अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो AVZON। ठीक है, तो हम विद वेंडर खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे किस डेट को हम असेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट लाइन आइटम। ठीक है, पोस्टिंग की 31, तो 31 पोस्टिंग की क्या किससे खरीद रहे हैं हम, वेंडर से। किस वेंडर से खरीद रहे हैं, हमारा वेंडर है BSE राजधानी का। ठीक है, अब एंटर कर। अब पूछा कितने अमाउंट की मशीन है, तो 50,000 की है। ठीक है, बीइंग असेट्स परचेज। अब पूछा नेक्स्ट लाइन आइटम, दो लाइन आइटम होती है, तो नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, असेट्स परचेज की जो होती है वो होती है 70, डेबिट ऑफ असेट्स की 75 पोस्टिंग की होती है और क्रेडिट ऑफ असेट्स की 70 एंड 75। ठीक है, तो डेबिट असेट्स हो रही है हमारी, कौन सी असेट किस कौन से डील से हो रही, कौन से असेट से हमारी मशीन की परचेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो डालना पड़ेगा किस टाइप एक्विजिशन है, तो हमारी है एक्सटर्नल असेट्स एक्विजिशन। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा कितने अमाउंट की है, तो स्टार डाल के एंटर कर दीजिए और ऑटोमेटिक अमाउंट उठा लेगा यहाँ पर। अब इसे सिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसे हम सेव कर देंगे, सेव करते ही हमारी असेट्स हमारी एक्वायर हो जाएगी। देखिए अभी असेट, तो असेट्स हमने खरीद ली, तो इसी तरह से और भी असेट्स खरीद सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है, तो रिपोर्ट देखने के कहाँ आते हैं हम, फिक्स असेट्स पीरियोडिक प्रोसेसिंग सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग ऑन असेट्स अकाउंटिंग, उसके बाद इंडिविजुअल असेट्स AW01। जैसे हमने खरीदा आपको यहाँ पर दिखा दिया डेफिनेशन, हमारे कितने परसेंट था, 5% था, तो 2500 रुपये आ गया पोस्टेड वैल्यू। ये देखिए अब नीचे आइए, देखिए एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है फिफ्थ पीरियड में हमने इसे खरीदा, तो हमने 1 अप्रैल से डेप्रिसिएशन कहा था, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं 1047, बाकी ने नीचे ऑटोमेटिकली कर दिया है 2500 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, कंपैरिजन देखिए 2500 2500 टोटल हमारी ईयर वाइज दिखा दिया इनने, टोटल 20 में इतना लगेगा, 21 में इतना, 22 में इतना। ठीक है, पैरामीटर ये हम कौन सी डेप्रिसिएशन की है, 5% SLM डेप्रिसिएशन लगाया हमने, SLM क्या होता है, इक्वल होता है पर ईयर, तो देखिए 2500 2500 2500 इक्वल दिखा रहा है। तो इस तरह से हम असेट्स को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन असेट्स आज मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा, तो उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आते हैं SAP में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं असेट्स अकाउंटिंग। असेट्स अकाउंटिंग में पहला है हमारा ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो पहले हम देखते हैं कि हमने जो असेट्स परचेज की थी उसके देखते हैं एक बार। तो देखने के लिए कहाँ थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिक्स असेट्स देन असेट्स डिस्प्ले AW01N होता है, अगर आप असेट सिंगल असेट्स को देखना चाहते हो तो डालते हैं, कंपनी कोड डालोगे और अपने असेट्स का नंबर डालोगे तो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए वन में कुछ नहीं है, जीरो में। अब क्या दिखा रहा है, हमने एक असेट्स खरीदी थी
नंबर मशीनरी, ठीक है, 50,000 की खरीदेगी, ठीक है। ये है 23 अगस्त को हमने इसे परचेज किया था। अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो उसको डबल क्लिक करिए, तो वेंडर था बीएसए राजधानी पावर और ये हमारी असेट थी, कब खरीदी 23 अगस्त को हमने परचेज की थी, ठीक है। अब हमने जो मशीन खरीदी थी इसमें से हमने देखा कि एक पार्ट जो है वो इसका सब असेट्स है, मोटर, ठीक है, वो 10,000 रुपये का है। तो वो हमें इस 50,000 से ट्रांसफर करके किस में डालना है, इसकी सब असेट्स में डालना है, हंड्रेड मोटर में डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ असेट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए कहाँ जाते हैं, पोस्टिंग में जाएंगे, ट्रांसफर में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है ABUMN ट्रांसफर विथ इन कंपनी कोड, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अभी पूछेगा डॉक्यूमेंट डेट, किस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो हमने कब खरीदी थी, 23 अगस्त को, ठीक है। तो यही हमारी ये डेट हो गई और ये हमारी, तो अभी पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया ट्रांसफर असेट, ठीक है, एग्जिस्टिंग असेट से न्यू है, तो एग्जिस्टिंग है हमारी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इस असेट्स को, 100 असेट्स को, इसमें से जो पैसा है वो हमारे को किस असेट्स में ट्रांसफर करना है, 101 मतलब 100 नंबर की वन, सब असेट नंबर वन में ट्रांसफर करना है। हमने सब असेट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में मोटर बनाया था, तो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग 100 नंबर के असेट से मैन्युफैक्चरिंग मशीन में से पैसा किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, मोटर वन में, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एडिशनल डिटेल में। अब यहाँ पूछेगा किस पीरियड में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा होता है असेट्स अकाउंटिंग में, असेट्स का देखिए AA असेट्स पोस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद पार्सल ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000, ठीक है, 10,000 ट्रांसफर कर दिया। अब इसे आप सिमुलेट करके देखते हैं, ओके। तो हमारा क्या है, ये करंट फाइनेंशियल में हमने खरीदी है, ठीक है। तो अब हम इसको सिमुलेट करते हैं, अब देखिए लाइन आइटम दिखा दिया। अब इसने क्या करा, 75 होती है क्रेडिट की, 70 होती है डेबिट की, तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट और डेबिट कर दिया। देखिए इस जो मेन असेट्स को, मशीनरी को क्रेडिट करके और जो पैसा था किसमें डाल दिया, मोटर में, इसे डेबिट कर दिया। डेबिट की 70 होती है, क्रेडिट की 75 होती है, ठीक है। तो इसको बाहर आ गएंगे और इसको कर देंगे हम सेव। जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो यहाँ पर क्या लिखा गया, असेट्स ट्रांजेक्शन पोस्टेड विद डॉक्यूमेंट नंबर आइडिया, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है, ठीक है, सिमुलेट करके मैंने आपको दिखाई दिया था। अब हम बाहर आते हैं, हम असेट एक्सप्लोरर को चेक करते हैं, ठीक है। वो कहां से बताया था मैंने आपको, असेट्स AW01N में हम चेक करते हैं अपनी असेट्स को। देखिए पहले 50,000 की थी, 100 नंबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन, हमने क्या कर दिया उसमें से 10,000 रिटायरमेंट ट्रांसफर करंट एक्विजिशन, 10,000 के असेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। किसमें ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, वन करेंगे 10,000 देखे किसमें दिखा। तो इस तरह से हम किसी भी असेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ असेट्स विद कस्टमर, ठीक है। अब हमें करना है रिटायरमेंट, कि कोई असेट्स को हमें रिटायर करना है, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम पोस्टिंग में आते हैं, ठीक है। यहाँ रहा है रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट विथ रेवेन्यू F-92 विथ कस्टमर, ठीक है। किस डेट को रिटायर कर रहे हो, आज की डेट में रिटायर कर रहे हो, ठीक है। किस कस्टमर को, एंट्री मैं साफ को करा चुका हूँ, किसको बेच रहे हैं हम, करंट पावर, ये हमारा कस्टमर, ठीक है। एंटर कर, एंटर करके पूछेगा कितने अमाउंट का सेल कर रहे हो, हमने कहा 5,000 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारा सेल ऑफ असेट्स, एंट्री क्या होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ, ठीक है। सेल ऑफ असेट्स आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी
एंटर कर देंगे। कितने अमाउंट का? 5,000, ठीक है। जैसे आप इस पे आपको चेक करना है, देखिए रिटायरमेंट ऑफ असेट्स, और पूछे किस असेट्स को आप रिटायर कर रहे हो, तो हमने कहा हम कर रहे हैं मोटर, ठीक है। मोटर हमारे पास 10,000 की थी, हमने उसे 5,000 में बेच दिया। क्या ट्रांजेक्शन टाइप है? तो ट्रांजेक्शन टाइप आपको देखना पड़ेगा। तो हम रिटायर कर रहे हैं, तो रिटायर हम किस में कर रहे हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है रिटायरमेंट ऑफ करंट ईयर एक्विजिशन विथ रेवेन्यू, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। किस डेट को हो रही है? 25 अगस्त को। कंप्लीट रिटायरमेंट है, पार्शियल? पार्शियल होगी तो आप यहाँ अमाउंट डाल दिए, कंप्लीट है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, इसे करके आप इसे, ठीक है, यहाँ पर आप वो डाल सकते हो। उसके बाद इतना होने के बाद अब हम अपना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सिमुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए सिमुलेट करते ही सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ले ली, जो हमने सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल ऑफ असेट्स वो सब आपने कॉन्फिगरेशन करते समय डाले थे ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लिया इसने, ठीक है। तो डाल देंगे, ठीक है, ये हमने डाला नहीं था टैक्स, तो अब सेव कर देंगे। सेव करते क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट हो गया, अब अपने असेट्स की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू चेक करना मैंने आपको बताया था असेट्स में क्या है, AW01 है। किस असेट्स को हमने सेल किया है? मोटर को, ठीक है। अब देखिए कितने का हुआ, रिटायरमेंट के लिए हमने 5,000 रुपए से 200 का उसमें डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, और टोटल लॉस कितना हुआ है इस मशीन पे? 4,800, तो मशीन हमारी खत्म। तो इस तरह से हम असेट्स को रिटायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्क्रैप ऑफ असेट्स। अगर आपके असेट्स बिल्कुल ही स्क्रैप हो जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है, स्क्रैप ऑफ असेट्स के लिए? तो उसके लिए हमारा जो टी कोड होता है ABABN होता है, तो उसके आएंगे, ये देखिए आपको कहा है फिक्स असेट्स में पोस्टिंग, पोस्टिंग में यहाँ पर आएगा आपका रिटायरमेंट, क्या रहा है यहाँ पर, असेट्स रिटायर बाय स्क्रैपिंग, स्क्रैप हो गई है असेट्स, ठीक है। स्क्रैप हो गई है, कब हुई है? यहाँ पर हम डेटेड डालें, कौन सी असेट्स हुई है? मोटर तो हमारी खत्म ही हो गई, मशीन, ठीक है, वैल्यू डेट ये आ जाएगी, कौन सी मशीन में से कोई पार्ट हमारा स्क्रैप हो गया है, तो मशीन ले ली हमने। एडिशनल डिटेल में जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप वो ही आ जाएगा, AA असेट्स पोस्टिंग का, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा करंट ईयर में हमने एक्विजिशन करी थी, कितने अमाउंट का पार्ट कितने का हुआ है? 10,000 का, उनको हमने कहा स्क्रैप हो गया, ठीक है। तो 10,000 का हमारा स्क्रैप हो गया, ठीक है। पर ट्रांजिशन टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हो, क्या है यहाँ पर आप देखिए, ट्रांजिशन टाइप है हमारा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ करंट एक्विजिशन फ्रॉम विदाउट रेवेन्यू, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं, हम सिमुलेट करके देखते हैं, हो गया, मशीन को क्रिएट कर दिया, और उस पार्ट को स्क्रैप ऑफ मशीन क्या होगी हमारी? डेबिट, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस हो गया 10,000 से, इसे हम सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। अब दोबारा से हम असेट्स को चेक करते हैं, अब असेट चेक करने के लिए कहेंगे हम, बताइए दोबारा से असेट्स AW01N में असेट्स एक्सप्लोर में आएंगे, ठीक है। अब देखिए 40,000 की थी मशीन, टोटल 50,000 की हमने खरीदी थी, ठीक है, 50 में 10,000 हमने मोटर में ट्रांसफर कर दिए थे, 10,000 की हमने इसे क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया, ठीक है, 10,000 का हमने इसको स्क्रैप कर दिया। देखिए तो बची कितने की मशीन है हमारे पास? 30,000, देखिए हमारी मशीन बची हुई है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्रैप के थ्रू रिटायर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन रन। अब डेप्रिसिएशन रन क्या है,
अभी तक हमने एसेट्स खरीदी हैं, एसेट्स को रिटायर करना है, सब कुछ सीख लिया है। डेप्रिसिएशन डन इसलिए करेंगे कि हमारा जितना भी डेप्रिसिएशन है हमें उसे जीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जीएल में बैलेंस दिखेगा तभी तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होगा। तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन डन चलाना होता है। तो उसके लिए हम कहेंगे, तो पहले मैं डेप्रिसिएशन आपको दिखा देता हूँ। पोस्टेड में आते हैं प्लांट, देखिए प्लांट डेप्रिसिएशन है, आप ध्यान से देखिए प्लांट। अब इनको हमें पोस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाहर आते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे, फिक्स एसेट्स में आएंगे, पीरियडिकली प्रोसेसिंग में आएंगे, यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन डन AFAB, इस पे क्लिक, ठीक है। अब सबसे पहले पूछेगा कंपनी कोड और ईयर, वो अपने आप आ गया। अब किस पीरियड का आप डेप्रिसिएशन डाल, तो फर्स्ट पीरियड का सपोज हम लगा रहे हैं, ठीक है। प्लांट पोस्टिंग रन, तो प्लांट डेप्रिसिएशन जो था मैंने अभी आपको दिखाया वो प्लांट पोस्टिंग रन। टेस्ट रन पहले हम चेक करते हैं, टेस्ट रन करते हैं, टेस्ट रन क्लिक करते हैं। ये पूछेगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग इन लिमिटेड, यस। देखिए टेस्ट रन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो बैक आएंगे हम, अब टेस्ट रन को यहां से हटा के इसको क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट। तो बैकग्राउंड जॉब हमारी स्टार्ट हो गई, एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड। ये पूछेगा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस हमारी स्टैंडर्ड होती है LP01, ये स्टैंडर्ड है। तो LP01 ले लेंगे यहां से, इसको सिलेक्ट कर देंगे, हो गया, इसको कर देंगे क्लियर। अभी पूछेगा कब करना है, किसी डेट एंड टाइम में करना है, किसी जॉब के बाद करना है, तो हमें क्या करना है, इमीडिएट करना है अभी, और उसे सेव कर देंगे। सेव करते आपको एक नंबर मिलेगा बैकग्राउंड जॉब का, देखिए RAPOST 2000, तो ये नंबर मिलेगा। अब इस नंबर को हम क्या जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, ऑन जॉब में जाएंगे, यहाँ पर ऑन जॉब पे नीचे आएंगे। देखिए 25 अगस्त की है ये, 9:32 की ये वाली है, यही नंबर था, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही नंबर है। इस पे क्लिक करके क्या कर देंगे, इसको इसको कर देंगे फ्रेश। तो ये हमारी हो गई फिनिश्ड, ठीक है। अब हम तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।